आदमी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आप। लोग यहाँ पे आते हैं, उनको सयाहों को ये कहकर वापस किया जाता है कि हमें सोपी पे वर्क करते हुए अभी तक जो है सयाह को कागान राह को नहीं खोला गया। जो सरकारी गाड़ी होती है जजन की अप्रोच जो है डीजी आईजी या डीसी तक होती है, वो वहाँ पे कॉल करवा कर वहाँ पे उनको छोड़ जाता है। यहाँ पे कदों का टूरिस्ट हमें जहाँ पे देखने को मिले, लेकिन वो जो है जान पहचान वाला या हाई लोग जो है हाई सीटों पर जो ऊपर बैठे हैं, जो हाई कमांड लोग हैं, उनको यहाँ पे छोड़ा जाता है। लेकिन जो नीचे से तक लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको यहाँ पे नहीं छोड़ा जाता कि उनकी अप्रोच नहीं है, जिसकी वजह से उनको नाके पे भी बलाकोट से वापस कर देते हैं, जो कि ये नासाफ़ी है और ये हुकूमत की तरफ से नाहली का मुंह बोलता सबूत है। चौधरी मुलाकात मी नारा डिस्ट्रिक्ट मानसा। आपसे मदद करता हूँ, आप मेरे भाई है, आप हमारे साथ डाउन करें पुलिस के साथ, जब हम कहते हैं कि डांस करो आप न जाए तो आप हमारे साथ थोड़ा सा डाउन कर सकते, आप हमारे भाई हैं, हमने अगर कोई गलत बात पावर अल्लाह के पास है, ये बात है। इससे बड़ी बात है कि यकीन करें, वो फिर मैंने आपको मालूम भी कर दिया मेरी बात, क्योंकि इतनी बड़ी बात मुझे भी नहीं कहनी चाहिए, मुझे इतनी बात नहीं कहनी चाहिए। आप जो भी बात से कहा कि आपको जो भी कहे आपने नहीं बोलना, हमने नहीं बोलना, आप हमें जो कहे मुझे नहीं बोलना, आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमें इजाजत कानून भी नहीं देता है, कानून में तशद्दुद नहीं है, कोई बात नहीं है। उसको मैंने कहा कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे साथ काम करें, ठीक है ठीक है, आप हमारे साथ डाउन करें, आपको गाड़ी का बता दिया गया, वापस हो जाए, आप डाउन करें, आप उधर जाकर अफसरान से बात करें, डीसी मानसेरा से बात करें, ठीक है ना, उधर बैठ कर बात करें कि हम इतने बड़े इश्यूज खर्चे करके आते हैं, अभी पूरे मुल्क में लॉकडाउन है, सिर्फ बलाकोट में हो तो आप हमारे साथ बात करें, पूरे मुल्क में हर साथ बात, पूरे मुल्क में कल भी सीएम साहब आए थे कि उनसे बात हम बैठते हैं, आप हमारे साथ डाउन करें, आप हमारे भाई, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ ही करेंगे, ठीक है ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये जो डमगला की चौकी है, डमगला बीसीए से थोड़ा फासले के ऊपर है, तो यहाँ के ऊपर अगर चेकिंग की जाती है इस जगह के अंदर तो बड़ी मुश्किल पैदा होती है, ट्रैफिक में जो है खलल पैदा होता है,
गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, जैसा कि आपने अभी देखा कि बहुत लंबी कतारें लगी हैं। तो मेरे ख्याल से अगर सयाहों को यहाँ नहीं छोड़ा जाता तो उन्हें हज़ारा के अंदर दाखिल ही ना होने दिया जाए, ताकि वो हरिपुर से ही दाखिल ना हो सकें, एतवाद से दाखिल ना हो सकें। उनका मोटरवे के अंदर मुकम्मल चेकिंग होनी चाहिए कि कौन कहाँ से है, वहीं से वापस किया जाए। हाँ, जो कोई बड़ा अफसर है वो तो चला जाता है, जो गरीब आदमी है, जो गरीब बंदा है, उसे यहाँ पे मुश्किलात के सामने। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि वहीं पर रोका जाए हरिपुर के मुकाम पर।